हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्सटबुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। हम लोगों ने साउंड चैप्टर स्टार्ट किया था, राइट? एंड दिस इज द लेक्चर टू ऑफ द साउंड एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द थिंग्स नीडेड टू बी डिस्कस्ड अबाउट साउंड। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि हम लोग या लाइक वी ह्यूमंस हाउ प्रोड्यूस साउंड। ठीक है, हम लोग किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उसके साथ साथ हम प्रूव भी करेंगे दैट साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपगेट। उसके अलावा भी हम बाकी सारी चीज़ें पढ़ेंगे लाइक नेचर ऑफ द साउंड वेव, ये सब चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड आप सभी को पता है ना कि भाई हम लोग पढ़ते जो भी टॉपिक हैं वो हम पढ़ते हैं स्कूल एग्जामिनेशंस के लिए भी और ओलंपियाड लेवल के लिए भी। तो बेसिकली आप एक टॉपिक पढ़कर अच्छे से समझकर यू कैन प्रिपेयर फॉर बोथ दी एग्जामिनेशंस एंड दैट इज़ द प्लस पॉइंट। ठीक है, आपको क्या करना है, मेनली आपको सिर्फ हमारे साथ स्टडी करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको रिविजन करना है, आपको क्वेश्चन करने हैं, आपको होमवर्क करना है, देन यू विल बी डन। ठीक है, एंड यू डेफिनेटली सबको पता है वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ दैट वी डील विद दी ओलंपियाड्स 6 to 10, ऑल दी ओलंपियाड्स, राइट? एंड उसके अलावा भी 6 to 10 के स्कूल एग्जामिनेशंस भी हैं, उसके अलावा भी हम लोग जो है हैंडल करते हैं NTSC, NSCJS, PRMO, राइट? दीज आर द 3 थिंग्स एक्स्ट्रा जो कि हम लोग जो है उनके लिए भी प्रिपेयर करते हैं। सो बेसिकली ऑल यू नीड टू डू इज टू स्टडी विद अस एंड स्टे विद अस, राइट? If you want any DPP or study material, you can access them through the Telegram channel. You have to write the code TTB07 over there. Sirf TTB07 hi likhe. Agar aap kya karenge search box mein, agar ye pura likh dete hain, to fir aap log nahi search kar payenge. Theek hai? Ab aapko kya karna hai? Sirf TTB07 likhna hai. Aur aapko enter marna hai. And then you can join the channel TTB07. ठीक है, इसको जो आप ज्वाइन कर सकते हो एंड यू कैन एक्सेस द DPPs एंड स्टडी मटेरियल ओवर देयर। नाउ सी, ये जो है सबसे बेहतरीन टीम है एंड दिस टीम इज डूइंग वेरी मच हार्ड वर्क फॉर यू ऑल, ताकि आप सभी को जितना भी क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं वो सब आपको अवेलेबल हो सके। एंड फॉर दैट वी आर डूइंग वेरी मच हार्ड वर्क, वी आर मेकिंग यू केपेबल ऑफ गोइंग फॉर एनी एग्जामिनेशन यू वॉन्ट टू, राइट? तो ऑल यू नीड टू डू इज़ टू सेट अ टारगेट। सबसे पहले खुद से डिसाइड करो दैट भाई मुझे इतने नंबर लेकर आने हैं किसी भी एग्जामिनेशन में। लेट्स से आप अगर स्कूल एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हो तो डिसाइड करो कि भाई मुझे इस बार 85% मार्क्स लेकर आने हैं या फिर मुझे 90% लेकर आने हैं या फिर 95% लेकर आने हैं। तो पहले खुद से डिसाइड करो। और अगर आप ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो तो डिसाइड योर रैंक दैट आई वांट टू बी रैंक्ड अमंग्स द टॉप 10 और टॉप 20 और टॉप 30। यू हैव टू डिसाइड दैट। ठीक है, तो आप सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करो एंड देन आप क्या करेंगे, आप हमारे साथ स्टडी करेंगे। जितने भी कंसेप्ट्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं उन सभी को वन बाय वन मास्टर करते जाओ, टेस्ट दो, होमवर्क करो। ठीक है, और उसके बाद कोई डाउट आता है तो डेफिनेटली हमसे पूछो। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, तो फिर आप पूरे तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, और उसके अलावा भी मैं आपको एक बात बताती हूँ जिसकी वजह से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो देखो आपको मेन क्या काम करना है, आपको इस वेबसाइट पे जाना है www.talkingtextbooks.in। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको दो तरीके के पैकेजेस मिलेंगे, राइट? ये जो पैकेजेस होंगे उसमें से पहला पैकेज जो है दैट इज़ द फुल पैकेज। इस फुल पैकेज का नाम फुल पैकेज इसलिए है बिकॉज इसमें सभी प्रॉपर चीज़ें हैं जो एक बच्चे को चाहिए स्टडी करने के लिए, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ने के लिए और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। What are they? Number one, वो है सबसे पहला स्टडी मटेरियल। आपको एक ऐसा स्टडी मटेरियल चाहिए जिसकी हेल्प से आप सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशन को भी फाइट कर सको। ठीक है, सेकेंड थिंग वॉट यू विल बी नीडिंग इज डेफिनेटली लेक्चर्स आप देख सकते हैं। ठीक है, या फिर एक मेंटर जो आपको सारी चीज़ें पढ़ाए, सारी चीज़ें बताए, राइट? वो सेकेंड थिंग हुई। थर्ड थिंग वॉट यू विल बी नीडेड, भाई होमवर्क करोगे तुम लोग, राइट? जो बच्चा होमवर्क करता है उसके सारे गोल्स क्रैक होते हैं, लेकिन जो होमवर्क नहीं करेगा ना फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी उसके साथ और उसके गोल्स क्रैक नहीं होते। तो क्या करना होगा, तीसरी थिंग आपको क्या करना होगा कि आपको वहाँ पे सारा जो भी होमवर्क मिलता है वो सब करना होगा एंड यू हैव टू सबमिट टू अस, राइट? एंड वट यू हैव टू डू इज सबमिट करोगे लेकिन थ्रू दी गूगल क्लासरूम्स में। ठीक है, यू विल बी गेटिंग अ कोड इफ़ यू सब्सक्राइब टू दैट। ठीक है,
फोर थिंग वॉट यू विल बी गेटिंग इज यू विल बी अटेम्प्टिंग द क्विज, ठीक है, वो भी एक वीक में दो बार, राइट, एवरी वीक यू आर गोइंग टू फाइट द क्विज टू टाइम्स, ठीक है. और ये जो क्विज होगी ये टॉपिक वाइज एंड यू कैन से लेक्चर वाइज होती है. तो आप क्या करेंगे, जो लेक्चर आपने पढ़ा उसके बाद आप उसका एक क्विज अटेम्प्ट करेंगे, फिर जो लेक्चर आप पढ़ेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे, क्विज अटेम्प्ट करेंगे. सो बेसिकली आपको एक वीक में ट्वाइस आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है. ये जो क्विज है ये बहुत ही फ्रीक्वेंट है, मतलब आप सोचो एक वीक में आपको टू टाइम्स अगर क्विज अटेम्प्ट करना है तो दिस इज टू मच फ्रीक्वेंट एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. कैसे हेल्प करेगा कि आप जो कुछ भी स्टडी कर रहे हो जल्दी जल्दी उसका टेस्टिंग होगा तो आपको जल्दी जल्दी फीडबैक मिलेगा, आपको पता चलेगा कि आपका ये टॉपिक वीक है, यू हैव टू डू मोर थिंग्स इन दिस, ठीक है, आपको पता चलेगा ये टॉपिक मेरा स्ट्रांग है तो मुझे इसे थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे सकते हैं. दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू डिसाइड, ठीक है. फिर आता है फिफ्थ थिंग एंड दैट इज द पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स. पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स का मतलब क्या होता है कि भाई तुम जो भी एग्जाम के लिए फाइट करने की सोच रहे हो उस एग्जाम को किस पैटर्न पे जो है आप फाइट कर सकते हो, लाइक उस एग्जाम का पैटर्न कितना है, कैसा है, राइट, कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू आते हैं या फिर सब्जेक्टिव आते हैं या फिर मल्टीपल चॉइस करेक्ट आते हैं, ये चीज़ें आपको देखनी होगी, ठीक है. तो बेसिकली ये सभी आपको मिलता है फुल पैकेज में. तो अगर आपको ऐसा लगता है दैट यू आर नॉट गेटिंग अ प्रॉपर गाइडेंस फ्रॉम एनीवेयर एंड यू आर सीरियस अबाउट cracking the Olympiad, then you can definitely buy these brackets. You can definitely take guidance from us too, right? And the second package जो है वो उन बच्चों के लिए है जो खुद को test करना चाहते हैं, because ऐसे बच्चे काफ़ी हैं जो पढ़ने में बहुत interested हैं, वो हमेशा नई नई चीज़ें पढ़ते रहते हैं, आगे से आगे पढ़ते रहते हैं. तो उन बच्चों को क्या चाहिए कि वो खुद को हमेशा test भी करते रहें. टेस्टिंग करने का सबसे अच्छा तरीका है टेस्ट सीरीज, एंड उसके लिए आप लोग डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट सीरीज, राइट. अब देखो आपको ये दोनों पैकेजेस के बारे में पता चला कि भाई इसमें आपको ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दैम देन यू कैन राइट अ कोड दैट इज द CY लाइव. If you are interested in buying any of the package from the Talking Textbooks, you can write the code CY Life and you can get a 30% discount. Right, so that is very much beneficial for you all. And even if you have any query regarding the packages, then you can call us. And the number is 9591-954-904-1111. You can contact us, right? And all your queries will be resolved. Jo bhi aapke questions hain, wo sabhi ke sabhi answer kiye jayenge. And you will be having a clarity about these packages or about everything you're gonna face while subscribing to that. Right, so that is the important thing I wanted to tell you. Ab fatafat se promise kar lete hai that promise yourself you will be watching the whole lecture, promise yourself that you will be making proper notes, promise yourself that you will be revising on a daily basis and promise yourself that aap kya karenge, aap questions bhi solve karenge, theek hai. Maine aapko bola tha one question a day, aap roz agar one question karte hain to bahut hi easily aap apne concepts ko yaad rakh payenge, sath hi sath aapka problem solving capability jo hai wo enhance hoga, ठीक है. उसके बाद क्या उसका प्रॉफिट होगा कि आपका डर निकल जाएगा क्वेश्चन को देखते ही. कई बार हम वैसे ही डर जाते हैं, बड़ा क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है, समझ नहीं आ रहा है, तो हम पहले ही डर जाते हैं, हार जाते हैं और उसी वजह से एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हम करने से चूक भी जाते हैं और इसकी वजह से हमारी रैंक भी नीचे जा सकती है, नंबर कम हो सकते हैं. तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है. जितने ज़्यादा क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारा डर निकलता जाएगा, ठीक है, और इसी वजह से तुम्हारे नंबर भी अच्छे आते जाएंगे. तो तुम्हें मेन काम क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है. चलो अभी हम क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं. लेट अस स्टडी क्या कि हम लोग साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, वी ह्यूमंस हाउ वी आर प्रोड्यूसिंग साउंड. ये बात तो हमें पता चल गया है कि कभी भी कोई बॉडी अगर वाइब्रेट करती है तो इसका मतलब वो क्या करेगी, साउंड प्रोड्यूस करेगी. दैट मीन्स वाइब्रेशन इज द कंडीशन जिसकी वजह से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है. लेकिन हमारे जो यू कैन से हम जब बोलते हैं तो ऐसा क्या चीज़ होती है जो वाइब्रेट कर रही होती है, किस तरीके से हम लोग साउंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी दैट, ठीक है. सो बेसिकली हम लोग जो हैं मेन वही पढ़ने वाले हैं. नंबर वन थिंग कि साउंड जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो किस से करते हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द बॉडी named as larynx, ठीक है, या फिर उसे voice box भी बोलते हैं, ठीक है. So it is voice box or larynx,
ठीक है, तो हम लोग मतलब उसको लैरिंग्स बोलते हैं या फिर वॉइस बॉक्स बोलते हैं, क्योंकि उसमें से वॉइस बाहर आ रही होती है. वी आर प्रोड्यूसिंग साउंड बाय दैट. ठीक है, तो जहां हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, दैट इज द वॉइस बॉक्स. वहां से हम लोग जो है साउंड को प्रोड्यूस करते हैं. अब वो कहाँ सिचुएटेड होता है हमारी बॉडी में, दैट इज द एंड ऑफ द विंड पाइप. ठीक है, हमारी जो विंड पाइप होती है जिससे हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, उसके एंड पे, उसके अपर एंड पर वॉइस बॉक्स सिचुएटेड होता है, लैरिंग सिचुएटेड होता है. ठीक है, ठीक है, इट इज एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप. थर्ड थिंग जो आपको पता होना चाहिए कि ये जो वॉइस बॉक्स होता है उसमें क्या होता है. देखो, एज यू कैन सी, कुछ दो ऐसी लाइन्स हैं जो खुलती हैं और बंद हो रही हैं, है ना, देख पा रहे हो तुम लोग. तो देखो क्या हो रहा है, दीज टू जो कि खुल रहे हैं और बंद हो रहे हैं, दीज टू आर वॉट कॉल द वोकल कॉर्ड्स. ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं. ठीक है, दीज आर, जो कि ये खुल रहे हैं और बंद हो रहे हैं ना, दीज आर वॉट, द वोकल कॉर्ड्स. ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं. तो क्या होता है, ये जो दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ये क्या होता है, पूरे वॉइस बॉक्स के ऊपर स्ट्रेच्ड होते हैं. ठीक है, स्ट्रेच्ड होने की वजह से क्या होगा, इस तरीके से वो स्ट्रेच्ड होते हैं कि हल्का सा एक एयर के जाने का वो पैसेज छोड़ देते हैं. एज यू कैन सी हियर कि ये खुल रहे हैं तो एयर कैन कम आउट, राइट, और ये बंद हो जाते हैं. फिर नहीं, अभी हम एयर कैन कम आउट, राइट, इस तरीके से जो है हल्का सा एक जगह, स्लिट वी कैन से, कि छोटा सा स्लिट है उसको छोड़ देते हैं जिसमें से जो एयर है वो बाहर आ सके. ठीक है, तो क्या हो रहा है, वॉइस बॉक्स के ऊपर ये दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो पूरे स्ट्रेच्ड होते हैं, एंड ये जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो इस तरीके से स्ट्रेच्ड होते हैं कि हल्का सा एयर के आने जाने का यू कैन से वो एक हिस्सा है, कुछ पार्ट, एक पैसेज एक तरीके से बन जाता है जिसमें से एयर जा सकती है. ठीक है, अब क्या होता है जब हम बोल रहे होते हैं, जब साउंड बाहर आ रही होती है, तो मतलब किसी ना किसी चीज़ का वाइब्रेशन होना पक्का है. ठीक है, क्या चीज़ वाइब्रेट करती है, देखो जब कभी भी हम बोलने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, हमारे जो लंग्स होते हैं वो हमारे लंग्स एयर को बाहर की तरफ थ्रो आउट करते हैं. ठीक है, तो जब एयर बाहर की तरफ जा रही है तो वो किस में से जाती है, इस स्लिट में से बाहर आती है. ठीक है, जब वो इस स्लिट में से बाहर आएगी तो क्या होगा, जैसे ही वो बाहर आती है, दीज टू वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट. ठीक है, तब वो वाइब्रेट करते हैं जब एयर बाहर आती है. ठीक है, जब वो वाइब्रेट करते हैं तो क्या होता है, वाइब्रेशन हो गया है, दैट मीन्स उसके बाद आपका जो साउंड है वो प्रोड्यूस होता है एंड वी आर एबल टू स्पीक. ठीक है, वो एनर्जी बाहर आ रही है बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ दीज टू वोकल कॉर्ड्स. ठीक है, अब ये जो टू वोकल कॉर्ड्स होते हैं ना, यही एक तरीके से बोल सकते हैं ये, और जो मसल स्ट्रेच्ड है, आप एज यू कैन सी द रेडिश पार्ट, है ना, इसके साइड में जो रेडिश पार्ट है, दिस रेडिश पार्ट आर द मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स. ठीक है, तो वोकल कॉर्ड्स के साथ जो भी मसल्स अटैच हैं वो जब टाइट होती हैं या फिर वो जब रिलैक्स होती हैं तो उससे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की साउंड आती है. बिकॉज वी ऑल नो कि भाई सभी बच्चों का जो भी या फिर सभी लोगों का, हर एक ह्यूमन बींग का साउंड इज डिफरेंट, है ना, और किसी का बहुत ही ज़्यादा भारी वॉइस होता है, लाइक यू कैन से द हॉर्स वॉइस, किसी की बहुत पतली आवाज़ होती है, द श्रिल वॉइस. ठीक है, और किसी किसी का एज यू कैन सी कि जैसे बहुत ज़्यादा लाउड हो सकता है, किसी किसी का बहुत ज़्यादा लो वॉइस हो सकता है, राइट. तो ये चीज़ें हमें समझनी है किसकी हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ द वोकल कॉर्ड्स. ठीक है, तो अभी तो हम लोग देखते हैं कि भाई जब कभी भी, when the lungs force air through the slit, the vocal cords vibrate producing sound. जब lungs में से air बाहर आती है, throw out होती है air, तो वो किस में से जाएगी, इस slit में से बाहर आती है. जब वो इस slit में से बाहर आती है तो vocal cords, जो कि ये vocal cords हैं, जो एक तरीके से gate हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, vibrate करते हैं, and due to that vibration sound is produced. ठीक है, चलो अभी हम देखते हैं, मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज. ठीक है, लेट मी टेल यू हाउ दे आर लूज और टाइट. देखो, जब कभी भी मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेच, जब क्या होता है, वो स्ट्रेच होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दैट मीन्स वोकल कॉर्ड्स बिकम टाइट एंड थिन. ठीक है, जब कभी भी ये जो साइड के मसल्स, एज यू कैन सी, ये दोज मसल जो साइड में हैं,
दिस पार्ट दिस मसल्स एंड दीज मसल्स, जब ये मसल्स क्या होती है कॉन्ट्रैक्ट होती है या फिर स्ट्रेच होती हैं, तब क्या होता है वोकल कॉर्ड कैसा बन जाता है, टाइट और थिन बन जाता है, ठीक है, बहुत ही पतला और टाइट बन जाता है। उस वक्त कैसी वॉइस बाहर आती है, साउंड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इज प्रोड्यूस, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड यानी कि श्रिल वॉइस, ठीक है। तो बेसिकली हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड अपन क्या बोलेंगे, दैट इज अ श्रिल वॉइस, जिसे हम बोलते हैं बहुत ही पतली आवाज, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हैं हमिंग ऑफ अ बी, ठीक है, तो उसकी जो हमिंगनेस आती है दैट इज ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी। और आप लोग बोल सकते हैं गिटार का फ्रीक्वेंसी, गिटार का नॉइज जो है उसका जो म्यूजिक आता है दैट, तो कब ऐसा होता है, कब हमें हाई फ्रीक्वेंसी के नॉइज मिलती है या फिर वॉइस मिलती है, ठीक है, नॉट द नॉइज बट तब हमें मिलती है जब वोकल कॉर्ड्स कैसे होते हैं, जब वोकल कॉर्ड्स टाइट और थिन होते हैं। एंड हाउ दे आर टाइट एंड थिन, जब जो उससे अटैच्ड मसल्स जो होती हैं दीज आर द कॉन्ट्रैक्ट और या फिर वो कैसी होती है, स्ट्रेच्ड होती है, ठीक है। अब अगर वो रिलैक्स होती है तो क्या होता है, जब कभी भी ये जो दो वोकल कॉर्ड्स होती हैं, ठीक है, और इससे जो अटैच्ड मसल्स होती हैं, ये मसल्स जब रिलैक्स मोड में होती हैं तब क्या होता है, तब वोकल कॉर्ड्स कैसे होते हैं, थिक, ठीक है, और लूज, ठीक है, वोकल कॉर्ड्स लूज होते हैं और थिक होते हैं, ठीक है। तो उस वक्त कैसी वॉइस आती है, लो फ्रीक्वेंसी साउंड आती है, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे लो फ्रीक्वेंसी साउंड। और ये जो लो फ्रीक्वेंसी साउंड होती है ये कैसी साउंड होती है, हॉर्स वॉइस, ठीक है, हॉर्स वॉइस बोल सकते हैं, हॉर्स साउंड, घोड़े वाला हॉर्स नहीं, दिस इज हॉर्स HORSE, ठीक है। और ये होती है एक भारी आवाज, जैसे रोरिंग ऑफ अ लायन, ठीक है। तो जब कभी भी शेर दहाड़ता है तब क्या होता है, तब जो साउंड आपको सुनाई देती है दैट साउंड इज लाउड, वी कैन से दैट दैट इज लाउड बट दैट इज ऑफ लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, बहुत ही मोटी और भारी आवाज होती है वो, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, हॉर्स वॉइस बोलता है। और ऐसा कब आता है, जब कभी भी जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लूज होते हैं और थिक होते हैं, यानी कि मसल्स कैसी हैं, रिलैक्स होती हैं, ठीक है। तो आपको रिमेम्बर करना है, जब मसल्स रिलैक्स करेंगी, आराम से रहेंगी, तो वी गेट अ हॉर्स वॉइस, ठीक है, एंड द वोकल कॉर्ड्स बिकम्स व्हाट, दे बिकम द थिक एंड लूज, ऑलराइट। और जब कभी भी जो मसल्स होती है वो स्ट्रेच्ड होती हैं या कॉन्ट्रैक्ट होती हैं दैट मीन्स दे आर इन टेंशन, है ना, स्ट्रेच होना और कॉन्ट्रैक्ट होना दैट मीन्स दे आर इन टेंशन, वो रिलैक्स नहीं है। तो जब कभी भी जो अटैच्ड मसल्स होती हैं वो कभी भी, जब कभी भी टाइट और थिन होती हैं, ठीक है, तो उसकी वजह जो वोकल कॉर्ड्स हैं जब वो बन जाएंगे टाइट और थिन, तब हमें कैसा साउंड मिलेगा, हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, देन वी आर गेटिंग अ हाई फ्रीक्वेंसी, यानी कि पतली आवाज हमें मिलेगी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आप नोट करो, ठीक है। तो आपको पता चला हाउ यू कैन सी और यू नो कि भाई जब कभी भी हॉर्स वॉइस आ रही है, भारी आवाज़ हो रही है, तो आपकी जो रिलैक्स मसल्स हैं, ठीक है, वो हैं इसके पीछे का रीज़न, जिसकी वजह से वोकल कॉर्ड्स कैसे हो जाएंगे, लूज एंड थिक हो जाएंगे, एंड दे विल बी गेटिंग अ हॉर्स नॉइज। सिमिलरली दिस हैपन्स टू दी श्रिल वॉइस और द लो फ्रीक्वेंसी साउंड और हाई फ्रीक्वेंसी साउंड, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं किसकी, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव, हाउ प्रोपोगेशन होता है साउंड का, ठीक है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल दैट की जो साउंड होती है वो वाइब्रेशन से होती है। इसका मतलब कोई भी चीज़ जब वाइब्रेट करेगी यू विल बी गेटिंग अ साउंड, राइट। वो साउंड, अब हम बात करते हैं कि वो साउंड जब वो प्रोड्यूस हो चुकी है तो वो हम तक कैसे पहुँची, हमारे ईयर्स तक कैसे पहुँची, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं। नाउ यू कैन सी कि दीज आर आई डिड टेल यू ना, ये क्या होता है, ये एक ट्यूनिंग फॉर्क है, ठीक है, दिस इज नेम्ड एज अ ट्यूनिंग फॉर्क।
और ये जनरली यूज किया जाता है साउंड प्रोड्यूस करने के लिए. ठीक है, साउंड प्रोड्यूस करवाने के लिए क्या किया जाता है, ये जो दो पार्ट्स हिल रहे हैं ना, दीज आर कॉल्ड प्रॉन्ग्स. ठीक है, इन्हें क्या बोल दिया जाता है, इनको हमें बोल देते हैं प्रॉन्ग्स, PRONGS. ठीक है, और दिस डिवाइस इज नोन एज द ट्यूनिंग फॉक. ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये एक ट्यूनिंग फॉक है. ठीक है, एंड दीज टू आर द प्रॉन्ग्स. ठीक है, आगे पीछे हो रहे हैं, दीज आर द प्रॉन्ग्स. अब क्या किया जाता है, कैसे हम इसे साउंड प्रोड्यूस करवाते हैं, हम इसको किसी भी लेदर पैड से क्या करते हैं, उसको स्ट्रक करते हैं. ठीक है, जैसे हम एक बार स्ट्रक करेंगे तो क्या होगा, ये जो प्रॉन्ग्स हैं ये क्या होगा, ऐसे ऐसे हिलेंगे. सो दे विल बी सेट इन द वाइब्रेशन मोड. ठीक है, उनको वाइब्रेशन मिल जाएगा. नाउ लुक एट दिस, क्या हो रहा है, जैसे ये वाइब्रेट करते हैं, इसके पास वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, उनको भी वाइब्रेशन मिलता है. राइट, जब एयर लेट्स से एयर मॉलिक्यूल यहाँ है एंड दिस इज द प्रॉन्ग एंड दिस इज मूविंग फॉरवर्ड, जैसे ये मूविंग फॉरवर्ड होता है, दिस विल ऑल्सो गेटिंग अ फोर्स. राइट, दिस विल ऑल्सो एक्सपीरियंस दैट वाइब्रेशन एंड इट विल गो अवे, जाएगा ना दूर. फिर क्या होगा, जैसे ही प्रॉन्ग यहाँ आएगा ये वापस से इधर आएगा. राइट, सो बेसिकली इट विल बी डूइंग अ वाइब्रेटिंग मोशन. जैसे जैसे क्या हो रहा है, प्रॉन्ग मूव कर रहा है, जैसे जैसे प्रॉन्ग वाइब्रेशन करेगा वैसे वैसे क्या होगा, एयर का मॉलिक्यूल जो उसके पास होंगे, इस प्रॉन्ग के पास वाले जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, उन सभी को क्या मिल जाएगा, वाइब्रेशन मिल जाएगा. ठीक है, अब क्या होगा, वो वाइब्रेशन होने लगा तो क्या होगा, एयर का मॉलिक्यूल वाइब्रेट करने लगेगा. जब वो वाइब्रेट करने लगेगा तो वो अपने अगले वाले पार्टिकल को टकराने पर क्या दे देगा, वाइब्रेशन. एंड दिस वाइब्रेशन विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन until that vibration reaches up to our ears and that will also make our eardrums vibrate. ठीक है, so that's how a sound propagates and reaches to our ears. ठीक है, तो basically हमें क्या देखना होता है कि एक vibration होता है, जो source होता है, जहाँ से vibratory body start है, जहाँ पर है वो vibratory body. ठीक है, जो body vibration कर रही है उसके वाइब्रेशन एयर को मिलते हैं, फिर एयर के मॉलिक्यूल्स अपने बगल वाले यानी नेबरिंग मॉलिक्यूल्स को वो वाइब्रेशन आगे भेज देते हैं, फिर वो मॉलिक्यूल्स और आगे वाइब्रेशंस भेज देते हैं, फिर वो मॉलिक्यूल और आगे वाइब्रेशंस भेज देते हैं. एंड दैट्स हाउ वाइब्रेशन भेजते 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 हमारे जो कान के पास जो एयर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनको वाइब्रेशन मिलता है. एंड जब उनको वाइब्रेशन मिलता है तो वो हमारे कान में एंटर होता है, हमारे ईयर्स में एंटर होता है. एंड दैट्स हाउ हमारे ईयर ड्रम जो है वो वाइब्रेट करने लगता है. सो बेसिकली वो जो वाइब्रेशंस हैं, जो सोर्स के वाइब्रेशन हैं, मतलब जैसे ये प्रॉन्ग्स वाइब्रेट कर रहे हैं, तो इसके जो वाइब्रेशंस हम तक पहुंच रहे हैं वो किस तरीके से पहुंच रहे हैं, बाय द ट्रैवलिंग ऑफ द वाइब्रेशन थ्रू द ईयर. ठीक है, एयर में से जो जा रहा है एंड इट रीचेस अप टू आर ईयर्स एंड इट ऑल्सो मेकिंग आर ईयर ड्रम्स वाइब्रेट. ठीक है, तो क्या हो रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या हो रहा है, वाइब्रेशंस क्या कर रहे हैं या फिर एनर्जी क्या कर रहे हैं, हम तक पहुंच रही है थ्रू द एयर. ठीक है, दैट्स हाउ इट प्रोपगेट्स. तो देखो, द वाइब्रेटिंग प्रॉन्ग्स ऑफ द ट्यूनिंग फॉक सेट द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एयर सराउंडिंग दैम इनटू वाइब्रेशन. ठीक है, इस ट्यूनिंग फॉक के, इसके जो प्रॉन्ग्स हैं उसके चारों तरफ जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें वाइब्रेशन मिलता है. एंड वाइब्रेशन मिलने के बाद वो अपने बगल वाले मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेशन दे देते हैं एंड देन इट प्रोसेस गोज ऑन अंटिल इट रीचेस अप टू आवर ईयर. ठीक है, दीज वाइब्रेटिंग एयर मॉलिक्यूल्स इन टर्न पास ऑन देयर वाइब्रेशंस टू द नेबरिंग एयर मॉलिक्यूल्स एंड इन दिस मैनर साउंड ट्रेवल्स टू द लिसनर इन फॉर्म्स ऑफ वाइब्रेशन. ठीक है, सेकेंड थिंग क्या, वो ये कि देखो, क्योंकि हमें पता है कि भाई वैक्यूम में नहीं होते हैं, राइट, कोई पार्टिकल्स ही नहीं होते हैं, तो वैक्यूम के अंदर साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती. सो यू शुड नोट इट डाउन विद द बोल्ड लेटर्स दैट साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम. ठीक है, तो हमें पता चला कि वेव क्या होती है, हमें अभी पता चला ना कि वाइब्रेशन भाई हमारे जो सोर्स है उससे निकलकर एयर मॉलिक्यूल्स तक पहुंचे, एयर मॉलिक्यूल्स ने अपने आगे फॉरवर्ड कर दिया, दूसरे एयर मॉलिक्यूल्स को दे दिया वाइब्रेशंस, अब और आगे वाइब्रेशंस मूव कर रहे हैं. सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, अ वेव इज गोइंग ऑन. क्या हो रहा है, एक वेव सोर्स से निकलकर जा रहा है, दैट मीन्स अ एनर्जी, अ वेव इज प्रोपगेटिंग,
राइट एंड दिस इज द वेव दैट इज एक ऐसा डिस्टर्बेंस बिकॉज दिस इज अ डिस्टर्बेंस ना. आराम से एयर मॉलिक्यूल्स बैठे हुए थे, शांत जीवन जी रहे थे, अचानक से उनको वाइब्रेशन मिलता है तो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है. राइट दे स्टार्टेड मूविंग टू एंड फ्रो दे स्टार्टेड मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव. राइट एंड दैट्स व्हाई दे दिस इज ऑल्सो नोन एज द डिस्टर्बेंस. तो उसको हम एनर्जी भी बोल सकते हैं, उसको हम डिस्टर्बेंस भी बोल सकते हैं. तो क्या होता है जब कभी भी कोई वेव जब चल रही है, जब प्रोपोगेट कर रही है, तो व्हाट इट इज हैपनिंग, एनर्जी इज मूविंग ऑन फ्रॉम पार्टिकल्स टू पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स, या फिर हम बोल सकते हैं डिस्टर्बेंस इज मूविंग ऑन फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल. ठीक है, तो बेसिकली वेव का मतलब क्या हुआ कि भाई एनर्जी वाइब्रेशन सब आगे जा रहे हैं बट द मॉलिक्यूल्स आर स्टिल एट देयर प्लेसेस. मॉलिक्यूल्स नहीं जा रहे, ऐसा नहीं होता है कि भाई इस प्रॉन के पास के एयर मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी ले ली और भाग कर ना सीधे लिसनर के ईयर्स तक पहुंच गया, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, क्या होता है एक्चुअली में, एयर मॉलिक्यूल्स वहीं पर रहते हैं बट दे वाइब्रेट एंड दे मूव ऑन, दे पास ऑन द एनर्जी. ठीक है, लेकिन वो वहीं रहते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं होता कि वो चले गए भाग के कान में ही चले गए सीधे, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, तो इसे नोट करो फटाफट, फिर हम आगे चलते हैं. चलो अब हम बढ़ते हैं आगे एंड हम समझते हैं कि भाई साउंड को मीडियम की ज़रूरत है, ये बात हमें पता है, लेकिन अब हम उसे प्रूफ कैसे करें कि सचमुच में साउंड को चाहिए. ठीक है, हमको किसी ने बोल दिया कि भाई साउंड जो होती है उसे प्रोपोगेट करने के लिए, आगे जाने के लिए उसको क्या करना चाहिए, मीडियम का मॉलिक्यूल्स है उसकी ज़रूरत होती है. ठीक है, तो इट रिक्वायर्स अ मीडियम एंड इट मूविंग फॉरवर्ड. लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, जब ये मूव फॉरवर्ड कर रही होती है एक्चुअली उस टाइम पर, सो व्हाट यू विल बी गेटिंग, कि क्या वहाँ पर सचमुच में ऐसा पॉसिबल है या नहीं, या हमको झूठ बोला जा रहा है. लेट्स टेस्ट दैट आउट. हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग टेस्ट कर रहे हैं क्या सचमुच में साउंड को प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की ज़रूरत है, और अगर है उसको, अगर सचमुच में है, देन लेट्स प्रूव इट. ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, हमने एक कांच का जार और यू कैन सी अ ग्लास जार उसको लिया. ठीक है, एंड व्हाट वी डिड, हमने उसका बेस कट आउट कर दिया, है ना. बेस कट आउट करने पर उसके बाद हमने क्या किया, इसके पास एक रबर का, यू कैन से रबर शीट ले लिया. ठीक है, रबर शीट को हमने नीचे वाले बेस पे टाइटली पैक कर दिया. ठीक है, अब क्या है, उसका बेस हट चुका है, कांच का बेस हट चुका है, जार का बेस हट चुका है, एंड उसकी जगह पे एक रबर का एक मेम्ब्रेन है. ठीक है, और यू कैन से इसको पूरा ढक दिया है, कवर अप कर दिया विद अ होल. ठीक है, उस इस पूरे प्लेट में एज यू कैन सी यहाँ पर एक होल है. ठीक है, और वहाँ से हमने एक पाइप बाहर निकाला हुआ है. सेकेंड थिंग, इसका जो टॉप है, यहाँ पर हमने क्या किया है, इसके ओपनिंग पर, इसकी जो बॉटल नेक है, वहाँ पर हमने एक कॉर्क लगा दिया है. ठीक है, वहाँ पर हमने क्या लगा दिया, एक कॉर्क लगा दिया है. एंड ये जो कॉर्क है, लकड़ी का कॉर्क है. ठीक है, एंड बेसिकली होता ही लकड़ी का है. उसके लिए हमने क्या किया, हमने वायर्स को इसमें से निकाला. ठीक है, इस कॉर्क में से वायर्स को निकाला एंड हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक बेल को इसके अंदर बंद कर दिया. ठीक है, अब देखो पूरे तरीके से इलेक्ट्रिक बेल जो है वो सिक्योर है. कैसे सिक्योर है, इलेक्ट्रिक बेल, क्योंकि हमें पता है भाई स्विच ऑन ऑफ करने से ही इलेक्ट्रिक बेल काम करेगी. राइट, उसको इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत होती है. राइट, तो हमने क्या किया कि ये जो इलेक्ट्रिक बेल है उसका कनेक्शंस बाहर ले लिए, ताकि हम बाहर से ऑन ऑफ करते रहें. ठीक है, तो ये वायर्स वगैरह सब बाहर पूरा सर्किट बना दिया. ठीक है,
अब देखो नीचे से हम लोग क्या करेंगे, हमने जो पाइप निकाला हुआ था उस रबर की शीट में से, उससे हमने क्या कनेक्ट कर दिया, एक वैक्यूम पंप को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो हमारा पूरा सिस्टम तैयार है प्रूफ करने के लिए। हम क्या करेंगे एक्चुअली में वो हम देखते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप वी विल बी सीइंग दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डिड, हमने इलेक्ट्रिक बेल को क्या किया है, एनक्लोज कर दिया है इनसाइड एक इन्वर्टेड बेल जार में, ठीक है, ग्लास जार भी हो सकता है, बाय हैंगिंग फ्रॉम दी रबर कॉर्क। ठीक है, रबर कॉर्क से इसको हैंग करके इलेक्ट्रिक बेल को इसके अंदर बंद कर दिया। नेक्स्ट हमने क्या किया, द जार इज क्लोज्ड एट द बॉटम बाय एन एयर टाइट प्लेट विद अ होल इन द सेंटर। तो हमने उसका जो बेस है उसको एयर टाइट प्लेट से कवर अप कर दिया है, बिल्कुल अच्छे से टाइटली कवर अप कर दिया है। एंड हमने उसके अंदर क्या किया है, जो होल है उसके अंदर से क्या किया है, एक होल बनाया है और एक पाइप लगा दिया। ठीक है, अब देखो अ पाइप थ्रू द होल लीड्स आउट टू अ वैक्यूम पंप। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, ये जो पाइप जा रहा है उससे हमने एक वैक्यूम पंप को कनेक्ट कर दिया है। ये जो वैक्यूम पंप है ये बेसिकली क्या करेगा, ये जितना भी एयर है ना इसके अंदर ग्लास जार के अंदर जितना भी एयर है उसको सक आउट कर लेगा। ठीक है, अब देखो हम लोग नेक्स्ट करते हैं, बैल को हमने क्या किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यहाँ से जो हमने स्विच ऑन स्विच ऑफ हमें जो करना था स्विच लगाना था वो हमने कनेक्ट कर दिया है। बैल इज स्टार्टेड बाय क्लोजिंग द की, अब क्या किया, बेल को ऑन किया, कैसे, स्विच ऑन कर दिया। जैसे हमने स्विच ऑन किया तो ये बेल बजेगी, डेफिनेट सी बात है, आवाज़ करेगी, साउंड प्रोड्यूस करेगी बिकॉज वाइब्रेशंस हो रहे हैं, तो ये जो बेल है इसकी वजह से हमें आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या होगा, हमें आवाज़ सुनाई देगी। रीजन बिहाइंड दिस इज बिकॉज अभी भी इस जार के अंदर एयर है। ठीक है, तो जो इसके अंदर एयर है वो एयर क्या हो रही है, आगे एंड उसको पास ऑन कर रही है, फिर ग्लास जार में से बाहर आ रही है। वी डू नो साउंड के जो है साउंड होता है वो सॉलिड भी से ट्रेवल कर सकता है, तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिक बेल में से एयर प्रोड्यूस होगी वो सबसे पहले क्या होगा, ग्लास के अंदर जो एयर प्रेजेंट है पहले उस तक पहुंचेगी, वो एयर आगे फॉरवर्ड करेगी साउंड को ग्लास में, फिर ग्लास आगे फॉरवर्ड करेगा बाहर और फिर हमें सुनाई देगा। ठीक है, और हमें दिख भी रहा है कि दैट इलेक्ट्रिक बेल बज रही है, हमें ये गोंग ये जो हैमर है ये हिलता हुआ दिखता है, राइट, तो वी कैन सी दैट कि भाई ये बज रही है ना। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, द वैक्यूम पंप इज स्टार्टेड एंड द एयर फ्रॉम इनसाइड द जार इज ग्रेजुअली ड्रॉन आउट। अब क्या किया हमने, अब हमने ये जो वैक्यूम पंप है इसे ऑन कर दिया। ये वैक्यूम पंप क्या करेगा, इस जार के अंदर जितना भी एयर है उसे सक आउट कर लेगा। ठीक है, जितना भी एयर इस जार के अंदर प्रेजेंट है उसको सक आउट कर लेगा। तो अब एयर नहीं है, दैट मीन्स अगर हमने वैक्यूम पंप से एयर सारी निकाल दी है, दैट मीन्स नो मॉलिक्यूल्स ऑफ द एयर, इसका मतलब अंदर क्या क्रिएट हो गया है, वैक्यूम क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब देखो विद डिक्रीज एयर इनसाइड द जार साउंड हर्ट बिकम्स वीकर एंड वीकर। हमने अभी भी इसको ऑन किया हुआ है, ठीक है, अभी भी बेल को ऑन किया हुआ है लेकिन साउंड अब बहुत कम होते जा रही है बिकॉज हम देख सकते हैं हैमर इज स्टिल गोइंग ऑन। हैमर अभी भी क्या होगा, हमें दिखेगा भाई ऑन किया है हमने तो हैमर हिलता हुआ दिखाई देगा लेकिन हमें साउंड नहीं सुनाई देगी। द रीजन कि यहाँ पे जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स थे जो साउंड को आगे भेजने वाले थे उनको हमने सकआउट कर लिया यूजिंग द वैक्यूम क्लीनर। ठीक है, वैक्यूम डेफिनेटली वैक्यूम पंप और सेम थिंग। After some time, no sound is heard, but the bell hammer is seen in vibration. हम देख सकते हैं through the glass jar की vibration तो हो रहा है, hammer is still going on, but important चीज़ क्या है, important चीज़ ये है कि अब हमें आवाज़ नहीं सुनाई देगी। The reason कि भाई air molecules अब ख़त्म हो चुके हैं, जा चुके हैं, right? Vacuum pump ने उसने सबको suck out कर लिया है, तो देयर इज नो एयर मॉलिक्यूल्स इनसाइड द जार एंड दैट्स हाउ वी कैन सी दैट द हैमर इज गोइंग ऑन बट वी कैन नॉट हियर द वॉइस ऑफ द साउंड। ठीक है, ये जो हमें नहीं मिल सकता बिल्कुल भी। सो व्हाट इज द कंक्लूजन, कंक्लूजन इज इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम अराउंड द सोर्स साउंड इज नॉट बीइंग प्रोपेगेटेड। दिस इज द सोर्स, ये इलेक्ट्रिक बेल था ना, ये सोर्स था साउंड का, यहाँ से साउंड आनी थी, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होनी थी, बट बिकॉज इस सोर्स के आसपास एयर जो है इसको जो यू कैन से जो कैरियर है जो इस साउंड को बाहर भेजेगा आगे फॉरवर्ड करेगा वही चीज़ नहीं है, वही मीडियम नहीं है, वही मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो साउंड कैसे आएगी, राइट। एंड दैट्स व्हाई वी हैव कंक्लूडेड दैट साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपगेट। इफ देयर इज नो मीडियम अराउंड द सोर्स देन वी कैन नॉट हियर द साउंड कमिंग फ्रॉम द सोर्स।
तो अभी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं तुम लोग से करना चाहती हूँ, एंड आई वॉन्ट यू टू गिव द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. इफ सम एक्सप्लोजन अकर्स ऑन मून, विल इट बी हर्ड ऑन अर्थ? क्या मून पे जो कोई भी अगर लेट्स से एक एक्सप्लोजन हो जाए, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाए, तो क्या उसका साउंड हमें सुनाई देगा? अर्थ तक आएगा क्या उसका साउंड? क्या उसके वाइब्रेशंस फील होंगे? टेल मी, क्या होंगे? सो लेट मी टेल यू दैट नो. ठीक है, नो, इट्स अ बिग नो. ठीक है, व्हाई? Because we all know that moon के पास उसका कोई atmosphere नहीं है. ठीक है, moon के पास उसका कोई atmosphere नहीं है, and moon के चारों तरफ कौन है? Vacuum है ना भाई, वहां तो, क्योंकि definitely बात है, earth, moon, इनके बीच में vacuum, right? तो अगर moon पे कोई explosion होता है तो हम तक नहीं पहुंच पाएगी आवाज, because there is the vacuum, no carrier of the sound. कोई भी उस साउंड को भेज नहीं पाएगा. मॉलिक्यूल्स जो आगे फॉरवर्ड करते थे, पास ऑन करते थे साउंड को, तो वो नहीं कर पाएंगे बिकॉज मॉलिक्यूल्स ही नहीं है. इसकी वजह से हमें वो साउंड नहीं सुनाई देगी जो कि मून के एक्सप्लोजन से होगी. ठीक है, सो अगर सन पे भी कोई बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है तो हमें नहीं सुनाई देगा. अगर वीनस, जुपिटर, मार्स, इन पे एक्सप्लोजन होते हैं, बिल्कुल नहीं सुनाई देंगे, भले ही कितने ही बड़े क्यों ना हो, हमें नहीं सुनाई देंगे बिकॉज ऑफ द वैक्यूम. ठीक है, सो एंड वी ऑल नो दैट वैक्यूम के अंदर से साउंड ट्रेवल नहीं करते हैं, राइट? तो इसे फटाफट से पहले तो नोट कर लो, दिस इज द रीजन. ठीक है, दिस इज द रीजन ऑफ द थिंग वी हैव स्टडीड. ठीक है, अब कर लिया, अब हम आगे चलते हैं. वी विल बी सीइंग द लॉन्गिट्यूडिनल वेव. लेट्स डिस्कस व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडिनल वेव. ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव. तो देखो क्या होता है, जब एक वेव हिट करती है मीडियम के पार्टिकल्स को, लेट्स से एयर के पार्टिकल्स को, जब कोई भी वेव हिट करती है, ठीक है, जब कोई वाइब्रेशंस होते हैं, जब कोई यू कैन से सोर्स वाइब्रेट होता है, तो क्या होता है, जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दो तरीके से वाइब्रेशन कर सकते हैं. पहले वो कैसे वाइब्रेशन करते हैं, या तो जैसे लेट्स से यहाँ से वेव आ रही है, ठीक है, लेट्स से यहाँ से वाइब्रेशंस आ रहे हैं, एनर्जी आ रही है, तो ये जो पार्टिकल है ये आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन कर सकता है, ठीक है, ऐसे वाइब्रेट कर सकता है. या फिर अगर यहाँ से वेव आ रही है तो इट कैन मूव लाइक दिस, ठीक है, ये ऐसे भी वाइब्रेशन कर सकते हैं. सो द लॉन्गिट्यूडिनल वेव इज दैट वेव जो कभी भी मीडियम के पार्टिकल को हिट करती है, तो वो जो पार्टिकल्स होता है वो आगे पीछे मूव करता है, टू एंड फ्रो मूव करता है. ठीक है, यानी अलोंग द वेव, वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में, उसकी अलोंग में वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है, दैट इज नोन एज द लॉन्गिट्यूडिनल वेव. ठीक है, अगर कोई ऐसा होता है कि भाई वेव आती है लेकिन पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है अगर, तो फिर हम उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं. ठीक है, लेकिन अभी हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव के बारे में स्टडी करेंगे. तो देखो इसका डेफिनेशन देखो, द वेव मोशन इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन, मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन. ठीक है, देन द वेव इज नोन एज द लॉन्गिट्यूडिनल वेव. सो बेसिकली इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, लॉन्गिट्यूडिनल एंड इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, ये दोनों चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हैं. लॉन्गिट्यूडिनल वेव का मतलब जब पार्टिकल्स, मीडियम के पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, along the wave या फिर in the wave direction, to and fro like this. ठीक है, अब देखो ये जो vibrations होते हैं to and fro, अब तुम देखो सारे के सारे air particles को अगर एक तरफ धक्का मिल जाए, ठीक है, क्या हो रहा है, सारे के सारे air particles को एक तरफ धक्का मिल रहा है तो क्या हो रहा है, अचानक से सारे particles एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे. definitely सी बात है ना, अचानक से सारे particles एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे. तो जब सारे पार्टिकल्स एक जगह इकट्ठे हो गए हैं तो इसका मतलब वो एक ऐसा एरिया बन गया है जहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है, इसका मतलब प्रेशर ज्यादा
है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है. एंड हम लोग बोलते थे वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है. डेंसिटी मैंने बताया था ना तुम्हें, दैट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर ग्रेटर, बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है. ऐसे रीजंस को हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कंप्रेस्ड. ठीक है, दैट इज द कंप्रेशन. ठीक है, सेकेंड थिंग, जब सारे एक देखो एक बार वाइब्रेशन उधर हिट किया, सारे के सारे पार्टिकल्स उधर शिफ्ट हो गए, है ना, और वहाँ पे एक रीजन क्रिएट हो गया, कंप्रेशन रीजन. अब वाइब्रेट करने वाली बॉडी तो फिर वापस आएगी अपनी जगह पे, राइट, बैकवर्ड जाएगी. तो अब जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो भी सब बैकवर्ड जाएंगे. जैसे ही बैकवर्ड जाएंगे तो क्या हो गया, ज़्यादा स्पेस मिल गई अब एयर के मॉलिक्यूल्स को. तो इस ये एक एरिया क्रिएट हुआ जिसे हम बोलेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ही कम हैं. और ऐसे में क्या होगा, लो प्रेशर होगा और लो डेंसिटी, बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल्स वुड बी लेस. तो इसकी वजह से क्या क्रिएट हुआ, एक ऐसा रीजन जहाँ पे लेस प्रेशर है, लेस डेंसिटी है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेयरफैक्शन. ठीक है, रेयरफैक्शन बोलते हैं. सो जब कभी भी एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव फ्लो करती है तो वो कैसे रीजन्स क्रिएट करती है, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन. ठीक है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था ना, लेट मी टेल यू वन थिंग, अभी अभी मैंने तुम्हें एक GIF दिखाया था. लेट मी टेल यू, अभी मुझे पूरा वापस जहाँ जाना पड़ेगा, बट आई विल शो लाइक दिस. देखो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और आगे चलते जाते हैं. ठीक है, देखो कम ज़्यादा, यानी कि कंप्रेशन रेयर फैक्शन, कंप्रेशन रेयर फैक्शन, कंप्रेशन रेयर फैक्शन, ऐसे चलते जाता है, चलते जाता है. ठीक है, तो इस तरीके से एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव जाती है. मैंने तुम्हें लॉन्गिट्यूडिनल वेव के बारे में क्यों बताया, क्योंकि जो साउंड होती है वो भी एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है. ठीक है, इसीलिए मैंने तुम्हें लॉन्गिट्यूडिनल वेव के बारे में बताया. नाउ यू कैन सी दैट ये क्या है, एक स्लिंकी स्प्रिंग है. स्लिंकी स्प्रिंग एक लूज स्प्रिंग है. ठीक है, हम जब कभी भी उसको एक बार लेट से आप कोई भी नॉर्मल स्प्रिंग भी ले सकते हो, तो आप क्या करना, स्प्रिंग को लेना, एक तरफ से उसको सिक्योर कर देना, एक एंड उसका सिक्योर कर देना, टाइटली फिक्स कर देना, और एक बार उसको ऐसे पकड़ के खींचो एंड छोड़ दो. तो वो क्या होगा, वो ऐसे आगे पीछे मूव करेगी, राइट, दैट मीन्स द लॉन्गिट्यूडिनल वेव. वहाँ पर उसे क्या मिलेगा, एक बार कंप्रेशन, जब वो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगी. एक बार आपको मिलेगा रेयरफैक्शन, जब पूरा फैल जाएगी, राइट, तो उस वक्त तुम्हें क्या मिलेगा, दिस इज द एरिया ऑफ द कंप्रेशन. देखो कितना पास पास आ गए हैं, एंड दिस इज द एरिया ऑफ द रेयरफैक्शन, दूर दूर चले गए हैं. ठीक है, सो बेसिकली ये क्या होती है, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है, वेयर यू नीड टू सी द कंप्रेशन एंड द रेयरफैक्शन. अब देखो, द रीजन ऑफ हाई प्रेशर एंड हाई डेंसिटी ऑफ मीडियम इन अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इज कॉल्ड कंप्रेशन. मतलब हाई प्रेशर है, हाई डेंसिटी, तो दैट एरिया इज नोन एज द कंप्रेशन, कंप्रेशन. ठीक है, सब दब गए हैं, तो दैट मीन्स हाई प्रेशर एंड हाई डेंसिटी. ठीक है, जब रेयरफैक्शन की बात होती है तो बिल्कुल फ्रीली रिलैक्स मोड में होते हैं, दूर दूर होते हैं. सो द लो प्रेशर एंड लो डेंसिटी, ठीक है, उन्हें हम बोल देते हैं रेयरफैक्शन एंड कंप्रेशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेचर ऑफ द साउंड. साउंड का नेचर भी देखो ऐसा ही होता है, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन. तो कैसे, जो एयर के मॉलिक्यूल्स है उनको हिट करेगी साउंड, एक तरफ इस तरफ जाएगी, वी गेट अ कंप्रेशन रीजन, फिर उस तरफ जाएगी, वी गेट अ रेयरफैक्शन रीजन, एंड दिस थिंग गोज ऑन, और वही हम तक भी पहुंचती है. मतलब वही कंप्रेशन रेयरफैक्शन हमारे कान में भी आते हैं, एंड जो ईयर ड्रम होता है हमारा उस पर भी हिट होता है. ठीक है, एंड दैट्स हाउ ये जो सिग्नल्स हैं, जो ईयर में हमारे जो साउंड जा रहा है, ये इसी तरीके से जा रहा है, द कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, और उसको हमारा जो ब्रेन सिग्नल है वो कंप्लीट कर लेता है. ठीक है, तो देखो साउंड वेव्स आर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल टाइप. ऑलवेज रिमेंबर, साउंड वेव कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है. इसका मतलब जिस डायरेक्शन में साउंड वेव ट्रैवल करती है, मीडियम के पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं. ठीक है, तो साउंड वेव्स आर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल टाइप बिकॉज दीज मेक द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन द डायरेक्शन इन विच द वेव ट्रैवल्स. ठीक है, अब देखो एक मूविंग साउंड वेव, मतलब साउंड जब जा रही होती है, ठीक है, मतलब साउंड सोर्स से निकल गई, अब वो जा रही है. ठीक है, साउंड इज ट्रैवलिंग थ्रू मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल. तो क्या हो रहा है, कंप्रेशंस यानी रीजन्स ऑफ मोर डेंसिटी इन प्रेशर एंड रेयरफैक्शन यानी रीजन्स ऑफ लेस डेंसिटी इन प्रेशर ऑल्टरनेटली रेगुलर टाइम इंटरवल्स में ऐसा पॉसिबल होता है. जब साउंड वेव जा रही होती है तो कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस प्रोड्यूस होते हैं कंटिन्यूअसली रेगुलर टाइम इंटरवल्स पे. ठीक है, तो देख सकते हो आप इसको कुछ इस तरह. पार्टिकल्स कैसे, पार्टिकल क्या करता है,
देखो जैसे लेट्स से दिस इज द एयर पार्टिकल, ठीक है, ये पार्टिकल को जैसे कोई वेव हिट करेगी, दिस इज द वेव, लेट्स से दिस इज द वेव, जैसे इस पार्टिकल को ये जो वेव है हिट करेगी, तो ये पार्टिकल क्या करता है, पहले दूर जाता है, वापस आता है, दूर जाता है अपोजिट डायरेक्शन में और वापस आता है, दिस इज द वन वाइब्रेशन, दिस इज द वन वाइब्रेशन, अपनी जगह से आगे गया, अपनी जगह पे आया, बैकवर्ड डायरेक्शन में गया, वापस अपनी जगह आया, वन वाइब्रेशन, ठीक है, दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू वाइब्रेट मोर एंड मोर एंड मोर, ठीक है. तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं द नेचर ऑफ द साउंड वेव. नाउ यू ऑल नो कि जो साउंड वेव होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, अस ह्यूमंस हाउ वी प्रोड्यूस द साउंड, कितना इजीली हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं साउंड को. ऑल वी नीड इज जस्ट अ वॉइस बॉक्स अबव द लंग्स, ठीक है, मतलब विंड पाइप के ऊपर जो है वॉइस बॉक्स सिचुएटेड होता है. एंड वी हैव सीन कि सचमुच में स्पीड को क्या, साउंड को क्या चाहिए, मीडियम चाहिए वाइब्रेट करने के लिए. वी हैव सीन द प्रूफ, राइट. And the next thing we studied about the longitudinal wave, we saw the nature of the sound, right? So this is it in this lecture, and we will be going to study a lot more things in the upcoming lectures. So make sure that you stay with us, right? And you should watch the next lecture also. Please like it, share it, and subscribe it. And do not forget to click on the bell icon so that you can remain notified for the upcoming videos. Thank you so much.